और मेरे को मैं सोया हुआ था, मेरे पिताजी मेरे सपने में आए, बहुत प्यार करता था, सभी अपने पिताजी को बहुत प्यार करता था। मेरे सपने में आए मरने के 20 साल बाद, और उनके चेहरे पर न हर्ष न विषाद न जिज्ञासा न क्रोध, कोई भाव नहीं, फ्लैट चेहरा, ऐसा चेहरा जो मैंने उनका कभी नहीं देखा अपने जीवन काल में। तो मैं हड़बड़ा कर उठा और खिन्न मन से मैंने दो पंक्तियां लिखी, एक मौका लिखा एक गीत का। अभी जब उनके साथ आए वही बात मेरे पास वापस लौटी तो मैंने गीत पूरा किया। जी स्वागत सर, अब सुनना। मैंने सुना है मैं कितना कृतज्ञ हूं, कैसा कृतज्ञ बेटा हूं, मुझे मेरे पिता को याद करने की फुर्सत नहीं, याद नहीं कर पा रहा हूं, और जीवन कितना निर्मम है, मुझे अवकाश नहीं दे रहा कि मैं अपने पिता को याद करूं। तो मैंने एक गीत लिखा खिन्न मन से, खिन्नता का विस्तार किया है। यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं गाती नहीं है, यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं गाती नहीं है, भूल तो पाया नहीं पर याद भी आती नहीं। अद्भुत पंक्ति, यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं गाती नहीं, न रोने का मन न गाने का मन, ऐसा खिन्न मन है। यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं गाती नहीं है, भूल तो पाया नहीं पर याद भी आती नहीं है। यह प्रलय सी खिन्नता, और ये पंक्तियां स्वीकार करना। शुष्क सोई चेतना चंचल बहुत है, वेदना के प्राण में हलचल बहुत है, शुष्क सोई चेतना चंचल बहुत है, वेदना के प्राण में हलचल बहुत है, अब नदी है रेत की ही परत ले, रेत के नीचे अभी भी जल बहुत है। यह सघन जल राशि लेकिन सिंधु तक जाती नहीं है, भूल तो पाया नहीं पर याद भी आती नहीं है। यह प्रलय सी खिन्नता, और पंक्ति सुना कि अगर तुम मर, तुम कहां मरे हो मेरे लिए, पैसा पैसा भी दे प्लीज। मैंने कहा तुम कहां मरे हो मेरे लिए, तुम मेरे रोम रोम में जीवित हो जब तक मैं हूं, मुझमें अभिव्यक्त हो तुम। अब पंक्ति सुनना जी, कि उस भयावह दृश्य से मैं डर गया था, उनकी डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी, जिस व्यक्ति की प्रकृति बाकी होने पर हम कांप जाते थे, कैसा निडर होकर पड़ा है, और ये बोध एक दिन सभी का यही होना है। इस बोध ने गौतम बुद्ध को संन्यास दिला दिया था, मैं कविता इसलिए मैंने कविता लिखी संन्यास से। उस भयावह दृश्य से मैं डर गया था, मन तुम्हारे साथ में ही मर गया, जब मेरे पिता मरे तो मेरी आंखों में आंसू एक भी नहीं निकला, मैं सोच रहा था सब रो रहे हैं, मैं इनका सबसे लाडला बेटा, मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहा है। पंक्ति सुनना कि उस भयावह दृश्य से मैं डर गया था, मन तुम्हारे साथ में ही मर गया था, एक भी आंसू न निकला आंख से पर से भर गया। यह प्रबल संवेदना भी मौ